ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਕਾਂਡਿਆ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁੰਟਲ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਡਾਲੀ ਔਰ ਉਸਕੀ ਗੁਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਡਾਲਿਆ ਜੀ ਕੁੰਟਲ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਡਾਲੀ ਔਰ ਉਸਕੀ ਗੁਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਡਾਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਕਾਂਡਿਆ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਲਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਿਆ ਹੈ डाल के नुकानू नमक गिर दिया और एक किलो चीनी गिर दी ऐसे नहीं होता जी उसको बड़े खोद दी जाती है आदमी खोदते जी समाधि को फिर समाधि लगाई जाती है जी मैं छोड़ गया मैं वहाँ रोने लगा जी जिस टाइम वहाँ मेडिकल में शरीर पूरा कराया माला मूला लेना जरा मैं कार्ड लिया वहाँ मेरा नाम लिख रहा कार्ड पे मेडिकल में और मैं 12 एक डेढ़ बजे आया हूँ वहाँ से गाड़ी में वो तो कह रहे हैं कि अंत समय में मम थे साथ में कोई नहीं था जी वहाँ जो जिस कार में मुंडे को आया जी ये अपनी बहन का जरा था दो बिंदे थे जी वहाँ कह रू और वहाँ बड़ा ये बात तो उन्होंने खुद भी स्वीकार है पाली दो बिंदे पहले जरा जी वो ये पंडित जी रहा ये काम रहा मैं आप झूठी बोला जी झूठ में कोई फायदा नहीं है पंडित जी तो उस दिन ये कह रहे थे जी फिर मैंने बैग काट के दिया है इन्हें बैग खोफ है वहाँ करमपाल फौजी का लड़का है वहाँ बैग में क्या था सर बैग में 40,000 रुपए थे जी वो सारे खोस लिए उन्हें हाँ वो पैसे राम राम कह रहे हैं कि अंत समय में बिल्कुल नहीं कोई जीवों का साथ थे ठीक बात करे कोई गलत बात तो नहीं कोई मैं झूठ नहीं बोलता जी मैंने कहीं कर्जा नहीं लेना जी देखो वो पक्ष अपने आप को सही ठहरा रहा है दूसरा पक्ष अपने आप को सही ठहरा रहा है आप दोनों के हो किसी की बात मत मैं उसमें ही था जी 20 साल हुए अपना शुभ नाम एक बार बता दे सुखबीर नाम है जी उसमें ही था 20 साल हुए अच्छा। मैंने बाबा के जो लुत्थे मारते देखे है जो मैंने उसके लेटरिन के ऐसे वैसे हाथ धोए उल्टी हाथ तो मोटी उसकी तो वहाँ जा रात को वहाँ समाधि दी ने समाधि ऐसे नहीं दी जाती डेढ़ क्विंटल तो चीनी चाहिए थी वहाँ एक किलो चीनी लाया कोई मेरे बरगा डेढ़ क्विंटल चीनी चाहिए थी जी और एक किलो चीनी डाली फिर मैंने बैग काट के दिया है इन्हें बैग खोफ है वहाँ करमपाल फौजी का लड़का है वहाँ बैग में क्या था बैग में 40,000 रुपए थे जी सारे खोस लिए उन्हें हाँ वो पैसे बैग उनके पास में ही है मेरे पास बाबा घड़ी है भाई बहुत बड़े आरोप लगन लग रहे पहला पक्ष पे या देख लो जो अपने आप को यू कर रहा था कि हम तो इतने दूध के दूल्हे हाँ हम तो इतना महात्मा जी की इतनी सेवा कर दी साधु जी की इतनी सेवा कर दी हमने तो समाधि भी अपनी जमीन में दे दी तो आप आज देखो ये रात सारे खुलन लग रहे हैं अगर यू लगा कि इन बातों कोई झूठ है तो मैं अब भी खड़ी हूँ और हर टाइम आपकी बात सुनूंगी लेकिन इस बार जो बात होगी दोनों पक्षों के बीच में होगी पंच परमेश्वर के बीच में होगी और जो जितने भी गणमान्य आदमी हैं उनके बीच में बात होगी क्योंकि देखो एक पक्ष अपना आपको सही बताओ दूसरा अपना आपको सही बताओ है यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि 40,000 रुपये लेकर वो अपने वहाँ पे फोन भी है जी फोन साहब प्रमोद के पास में वहाँ खोफिया उन्हें टिट्टू ने खोफिया फोन वहाँ गाड़ी मन वहाँ झगड़ा भी कराया जी मेडिकल में मैं ये चोर था कि जहर था ये तेने फोन क्यों लिया इसके तेने फोन क्यों लिया जी उसके है जी हम उनके साथ हाँ 20 साल फिर था जी मैं वहाँ उनके साथ में इनकी कटसी इनकी कटसी किराया करता जी मैं एक का घर है जी एक ही घर है परिवार भी एक ही है जी सारा मोहल्ला है तो आप ही क्या कहना चाहोगे यू जो सारा बवंडर रचा गया है यू महाराज जियो के लिए ये बोला गया कि हम समाधि दें ये प्यार प्रेम है या फिर यू सारा जमीन का रोड़ा जमीन का रोड़ा जी मतलब जमीन खातर महाराज जियो के साथ ऐसा किया जी अच्छा एक बड़ी बात पूछना चाहूंगी मैं पहला पक्ष आरोप लगा रहा है कि मतलब यहाँ महात्मा जी को 2 गज जमीन भी नहीं दी गई यहाँ से या बोले यहाँ से ले जाओ और ऐसे होटिंग करी गई या किलकी मारी गई निकाल दियो धक्के दे देगा बोला नाला में फेंक दो नहीं दे कहा जी बाबा पांडे की जय बाबा पांडे की जय बाबा पांडे की जय नहीं दो ये बोले हाँ हम ले गए उसको गाड़ी थी हमारे पास मैं आगे बैठा हूँ और मेरे फादर राजगुर सरपंच जो उनको ताऊ लग रहा है जिसका हम आके आगे बैठे थे और पीछे पब्लिक बैठी थी हमने जाके मनवाया दुआया मैं नहीं है वहाँ अरे वो कदनी खड्डे में क्यों लेकर गए जब यहाँ जमीन दे रहे थे उन्हें अपने जमीन का रोड़ा जी हम यहाँ काटेंगे तो जमीन हमारे को मिल जाएगी तो कह रहे कि जगह नहीं दे रहे थे आप कह रहे जगह दे रहे हैं मतलब इसका मतलब आप यूँ कहना चाहोगे धक्का लेकर गए हैं धक्के ही लेके गई जी अड्डे बजे होते ये मंदिर जी मंदिर होते जी प्रशासन एक जन प्रशासन भी आया था महाराज जी प्रशासन भी आया था प्रशासन का बीच में क्या बैठ का बात नहीं हुई प्रशासन तो बहुत बड़ी चीज है प्रशासन तो सब कुछ कर सका तो क्या कोई समझौता नहीं हुआ हमने नहीं मानी जी इनकी अच्छा। हम तो रहते हैं ये भी नहीं माने ही नहीं वो माने फिर हम बोले वो ले जाओ अड्डे भी ये बोलो अड्डे भी ले जाओ उनके साथ
हाँ उनके साथ मैं एक रात रात को बज गया बाबा रात को बजा है मेरी दुरुस्ती करवा दी विफल सेवा करके बाबा ने मेरे को रात को बोलिया फिर मैं आके मिलया हूँ अपने भाइयों ने बना रखा है 3 लाख रुपए लगा के फिर उन्होंने छोड़ा मैं वो गद्दार थे मैं इनके साथ आ गया। गद्दार कैसे थे? गद्दार हर एक चीज में जी हूँ जैसे जो भी खाया उनने वो यहाँ पे मैं उन्हें 20 लाख नीचे दे रखा जी घर मेरा बिक गया किला मेरा बिक गया भाईचारा ने बुजुर्ग नहीं बिकया तो ठीक है से आप? मैं यहीं फिर बनिया नहीं फिर अच्छा। इन भाइया को ठीक है घर मेरा ऐसा बिका जी मंदिर की जमीन फेल हो रही थी किक्कर हो गई थी 6 लाख रुपये लगाया मैंने वहाँ से पैसे आया मेरे को मैं खाई बोला आदमी जो मैं बेईमाना नहीं करता और सारे को लेके खा गए घर मैंने अपना भाई को बेचा 4 लाख की कर्जा उतारने के लिए लोग खाल पाने लेके जैसे भी वाले उनको मैंने अपने घर बेच के किला बेच के उनको पैसे दिए 15 लाख रुपये आप पता कर सकते हो जी आगे काम राम बैठिया है तो मतलब यू कहना चाहो कुल में लेकर सारा रोला जमीन का ये पंडित जी बैठा जी अब झूठे बोलते हैं मरने के समय की वीडियो भी है चलो देखो भाई एक बार गांव राम तो बात और करेंगे दूसरा पक्ष तो बात करेंगे उसके बाद सारी बात करेंगे।